मां। गुड़िया था इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ जी। पावन मन से ध्यान करते हैं कि आज के शुभ दिन का सत्कार करते हैं, पावन मन से ध्यान करते हैं, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, प्रभु का गुणगान करते हैं, आओ प्रभु का गुणगान करते हैं। इधर देखना जी, बुढ़िया जी बंदा आपके द्वारा कि वो सभी बारी बारी से एक बार मंच पे दलबीर जी, नरेश जी, सभी मैडमों से अनुरोध एक बार मंच पे पास आए। और क्योंकि तिलक सेरेमनी है, बच्चे आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो आप आके सभी राजा के लिए राज तिलक का कार्यक्रम है तो राज्य अभिषेक होना है, तो सभी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार करता धरनी से आप स्वागत अभिनंदन करेंगे। बेटा तालियों में तंदूसी क्यों बरतते हो? आज हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, अंतिम दिन है, तो सभी शिक्षकगणों से अनुरोध है कि वो आए और एक बार तिलक में हिस्सा लें, और प्राइमरी के जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनसे भी अनुरोध है कि सब एक बार मंच की तरफ आइए। और जैन स्कूल से आज फिर हमारे बीच स्टाफ को आ रहा है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। जैन स्कूल हमारे साथ प्रथम दिन से जुड़ा हुआ है, कभी स्कूल के विद्यार्थी और कभी स्टाफ स्वयं चलकर हमारे विद्यालय में आते हैं। हमारे लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है कि दूसरे स्कूल्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी कोशिश में हमारा साथ दे रहे हैं। बजाई जाए कि वो भी एक बार मंच पर आए। सर से अनुरोध है कि वो एक बार मंच पर आए। इधर देखो जी, मैडम जी एक मिनट हाथ लगाओ, तिलक करो ना, तभी हमारी पहली कोशिश है हमारा साथ। और सभी जगह अगर हमारे कार्यक्रम की थोड़ी भी कोई चर्चा हुई है तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोई एक पहली पहल हमने की और उसी में हमने कामयाबी हासिल की। इधर देखिए सर, हाँ जी आज हमारे कार्यक्रम का अंतिम दिन है, अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और आपको सभी विद्यार्थियों के हौसले की भी दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग हर रोज यहाँ आते हैं, बड़े ही धैर्य के साथ बैठते हैं मंच पे, जो छात्र और छात्राएं अपनी भूमिका निभाती है उन्हें देखते हैं, उनका हौसला वर्धन करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए भी बजा दीजिए। गुड
बढ़िया इधर देखियो, अंगूठा लगा लिया, अंगूठा लगा लिया ऐसे। और आज हमारे बीच प्राची जो कि किरदार निभा रही हैं, उनकी माता जी पधारी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के लिए उनका भी स्वागत किया जाए। और हमारे जो विद्यालय की छात्राएं हैं, उन्होंने रंगोली में भी दिए जलाए हैं, क्योंकि आज श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो इसीलिए